दोस्तों आईपीएल 2023 का 40वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद को 9 रनों से जीत मिली। आखिरी ओवर तक गए इस मुकाबले में कई बार उलटफेर देखने को मिला। हैदराबाद अब इस जीत के साथ मुंबई को पछाड़कर 8वें नंबर पर आ गई है। दोस्तों अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले का फुल हाईलाइट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हुआ यूं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट पर 197 रन बनाए थे। 22 साल के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने 36 गेंदों पर 67 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं हेनरिक क्लासेन ने 27 गेंदों का सामना करते हुए नबाद 53 रन बनाए। साथ ही अब्दुल समद 28 रन और अकील हुसैन नबाद 16 रन बनाकर हैदराबाद को उपयोगी योगदान दिया। इन बल्लेबाजों के अलावा हैदराबाद के कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं ईशान शर्मा और अक्षर पटेल को एक एक विकेट हाथ लगे। उसके बाद 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और उसने पारी के दूसरे ही गेंद पर कप्तान डेविड वार्नर का विकेट खो दिया। वार्नर को भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड कर दिया और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श के बीच दूसरे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी हुई जिसने दिल्ली को मैच में एकदम से वापस ला दिया था। इंग्लिश क्रिकेटर सॉल्ट ने अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक बनाते हुए 25 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। मयंक मार्कंडे ने फिल सॉल्ट को आउट करके इस पार्टनरशिप का अंत किया। साल्ट के आउट होने के बाद दिल्ली का विकेट गिरता चला गया। पहले मनीष पांडे को अभिषेक शर्मा ने 1 रन पर आउट किया, फिर मिचेल मार्श का बड़ा विकेट अकील हुसैन ने चटकाया। मिचेल 39 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन बनाए। मार्श का विकेट गिरने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की पारी ट्रैक पर नहीं आ पाई। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 26 रन बनाने थे लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अक्षर पटेल और रिपल पटेल को ये रन नहीं बनाने दिया। अक्षर पटेल 14 गेंदों पर 29 रन और रिपल पटेल ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। दोस्तों हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट लिए।